सबसे पहले तो दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 100% इलेक्ट्रिक और जीरो एमिशन वाली लो फ्लोर एसी बसों को लेके आई है, और इसके लिए हम दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी महंगी बसेज लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई। एक बार चार्ज करने पर ये इलेक्ट्रिक बस 250 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो 2.5 करोड़ रुपए इस एसी इलेक्ट्रिक बस की कीमत है, और 1 किलोमीटर चलने पर इस इलेक्ट्रिक बस का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 17.25 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आएगा, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से सीएनजी की एसी बस का खर्चा आएगा 18.54 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, जो कि डीजल वाली बसेस से तो काफ़ी ज़्यादा कम है। इस बस के फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले इस बस की लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। ये बसें 12 मीटर की हैं, और इन एसी इलेक्ट्रिक बसों से 0% धुआं निकलेगा, और इसी के साथ ही इलेक्ट्रिक बसों से लोगों को एसी की सुविधा भी मिलेगी। इन बसों में एसी की सुविधा भी दी गई है, वाह वाह क्या बात है। और इसी के साथ इन बसों में लाइव ट्रैकिंग सिस्टम और महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक सीट के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन भी इस बस में मौजूद है। और भाई अपने हरियाणा को तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि अभी तक तो कोई बस डिपो में आई नहीं है, और शायद ही जो हरियाणा रोडवेज की जो नई बसें आएंगी शायद इलेक्शन के पास ही आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इलेक्शन से पहले सरकार तो शायद ही कोई बस लेके आए। हालांकि हरियाणा में भी एक बार हरियाणा सरकार ने ओलेक्ट्रा की इलेक्ट्रिक बस का एक बार ट्रायल किया था, लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार कोई नई इलेक्ट्रिक बसें नहीं लेके आई है, और शायद ही मुश्किल ही लेके आए, अगर लेके भी आए तो कोई बस ही लेके आए, क्योंकि इतनी महंगी बस शायद हरियाणा में ना ही आ पाएँ। वैसे भी एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत बहुत ज़्यादा है हमारे हरियाणा में, तो अपने हरियाणा में तो डीजल की बस ही आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हम दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि इतनी अच्छी बसें लोगों की सुविधा के लिए लेके आए। इसी के साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।